सो भाई लोग कैसे हो। हाल चाल बढ़िया सब। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ब्लॉग लेके आ चुका हूँ। आज की इस ब्लॉग में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं बांग्ला से बांकुड़ा। मैं अभी लगभग बांग्ला पहुँचने वाला हूँ। ये बांग्ला का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर काली माता मंदिर है। आज मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली बड़ा जोरदार से ही सीधा बांकुड़ा जा रहा हूँ। तो बीच में क्या हुआ था कि मेरा जो मेमोरी कार्ड था वो फूल हो गया था। पूरा मतलब फुटेज नहीं ले पाया, तो इसी मतलब रास्ते के बीच में फाइल को ट्रांसफ़र किया, फिर थोड़ा एम्प्टी हुआ और अभी यहाँ से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि वापस तो फिर से रिपीट नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं, बंगला से ही बांकुड़ा मतलब कवर करते हैं। और मैंने इस रूट पे पहले भी एक वीडियो बना रखा था बहुत साल पहले, तो उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। वो आप देख सकते हैं, वो पूरा मैंने कंप्लीट जर्नी को ही रिकॉर्ड किया था एकदम बड़ा जोरदार से बांकुड़ा पूरा। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो ब्लॉग नहीं था, वो वीडियो था। ठीक है, तो ये अभी ब्लॉग कर रहा हूँ मैं। आज बहुत गर्मी है और आज का वेदर ठीक है, लेकिन पिछले 2 दिन से जब भी ब्लॉग कर रहा हूँ तो सही से ब्लॉग कर ही नहीं पा रहा था। बीच बीच में पानी गिर रहा था, बारिश हो रहा था और बहुत तेज से हवा चल रहा था और बीच बीच में बिजली भी चमक रहा था, तो कैमरा को मजबूरन बंद करना पड़ रहा है। लेकिन आज ऐसा कोई सीन नहीं है, आज पूरा वेदर क्लियर है, तो आज अच्छे से ब्लॉग कर पाएंगे। ये मतलब बंगला का ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये यहाँ पर फिर बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता था। और बंगला में एक्चुअली दो दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जाता है, एक ये ग्राउंड पे और एक आगे ये वाला बाज़ार पे। मैं अभी बंगला का बाज़ार इंटर कर रहा हूँ। मैं ये सल्डिया वाला जो ये रोड है इससे आ रहा था, और ये वाला एक हाई स्कूल है बंगला का। और ये जो लेफ्ट साइड का जो आप रोड देख रहे हैं, ये सीधा जा रहा है आपका बोगा की तरफ, और ये वाला जो लेफ्ट साइड का रोड है ये सीधा जा रहा है आपका मुकुटमणिपुर। और मुकुटमणिपुर का आगे से भी एक जगह है और यहाँ पर हरिनाम हो रहा है। थोड़ा दूर जाके बात करते हैं क्योंकि कितना रिकॉर्ड हो पाता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज आवाज में यहाँ पर लाउड स्पीकर चल रहा है। हालांकि अब तो बहुत ही कम हो गया है और नॉइज़ कैंसिलेशन भी कर देंगे अगर ज़्यादा ही नॉइज़ कैप्चर हो गया तो। मैं वो वाला रोड क्रॉस करके अभी बांकुड़ा की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये जो जगह है इसको शायद नामो बांग्ला कहते हैं, मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन यही होगा शायद। ये जो आप अगेन जो लेफ्ट वाला रास्ता आप देख रहे हैं, ये फिर से वही जो मुकुटमणिपुर की तरफ जो रास्ता मैंने पहले बताया था उससे ही ये जाके मिल रहा है। ये वाला मतलब बांकुड़ा साइड से एक मेन रोड है, और वो वाला जो जो लोग हल्डिया या बंगला से मुकुटमणिपुर जाने के लिए, उन लोगों के लिए एक शॉर्ट रास्ता बनाया गया था। यहाँ पर ये टनल बोरिंग मशीन है, जियो फाइबर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए शायद। ये बजाज का शोरूम है, ये पूरा जो देख रहे हैं पूरा ऑप्टिक फाइबर के लिए कनेक्शन बिछा रहा है। अब ये जियो का है क्या किसी और का है वो पता नहीं, लेकिन वो ऑप्टिक फाइबर के लिए यूज़ होता है।
और ये मैं इंटर कर गया हूँ इंदपुर, ठीक है। अभी थोड़ा देर आगे ही इंदपुर पुलिस स्टेशन है, ये आप देख सकते हैं इंदपुर पुलिस स्टेशन राइट साइड पे। और ये एक काली माता मंदिर है, इस साइड पे जा रहा है आपका इंदपुर गांव और आपका इंदपुर पुलिस स्टेशन, और मैं जा रहा हूँ सीधा आगे बांकुड़ा की तरफ। तो ये जो इंदपुर है इससे उस साइड का मतलब बांग्ला या बड़ा जोरदार उस साइड का जो भी पुलिस स्टेशन है वो इंदपुर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। और इंदपुर के बाद मतलब अभी मैं जहाँ पर हूँ यहीं से ही बांकुड़ा पुलिस स्टेशन के अंडर ये जगह पड़ जाता है। तो मतलब ये का डिवीज़न भी आप कह सकते हैं, उधर आपका आपका इंदपुर डिवीज़न है, इस साइड पर आपका बांकुड़ा डिवीज़न। और जोरदा बड़ा जोरदा के उस साइड पे मतलब मैं जो आने वाले जो गोपालपुर ब्लॉग में आपको बताया था कि बांकुड़ा से जब मैं गोपालपुर जा रहा था तो वो वाले जो रोड है वो पड़ता है आपका छतना डिवीज़न के अंदर, जो NH 314 था उससे भी अब हम आगे मिलेंगे वही रोड पे, जो पुआ बागन जब वो जगह है ना जहाँ से हम लोग उस दिन टर्न किए थे, और एक सीधा वाला रास्ता जो जा रहा था वो यही रास्ता है जिससे आज मैं जा रहा हूँ। तो आपको वो पता चल जाएगा अगर वो वाला ब्लॉग आपने ऑलरेडी देख लिया होगा अगर। पेट्रोल पंप है ये इंडियन ऑयल का है, और आगे वाला जो है वो भारत पेट्रोलियम का है। और ये वाला जो रोड है ये का स्टेट हाईवे है PWD का, तो ये नेशनल हाईवे नहीं है। दो टावर आप देख रहे हैं, एक एयरटेल का है और एक जियो का है। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ सुनुक पहाड़ी गांव। तो सुनुक पहाड़ी जो लोग बांकुड़ा से है वो इस जगह को ऑलरेडी देख चुके होंगे, क्योंकि ये जो जगह है मतलब तो ये पूरा दुर्गा पूजा के लिए फेमस होता है एकदम। बांकुड़ा के बाद सुनुक पहाड़ी, पुआ बागान और बांग्ला इनपुट जो ये जो जगह है ये एकदम मतलब दुर्गा पूजा के लिए फेमस है, मतलब बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, और आपका बहुत खूबसूरत सा पेंडल भी किया जाता है। तो ये जो आप राइट साइड का जो रोड देख रहे हैं ये आपका इको पार्क थोड़ा दूर आगे जाके ही आपको लेफ्ट साइड में मिलता था, और दुर्गा पूजा का जो मंदिर है वो भी इस साइड पे ही है, लेकिन वो इको पार्क तो अब बंद हो चुका है तो अब नहीं जा सकते। हालांकि गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ा के उसको ओपन कर देना है, मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि आप सिक्योरिटी रखिए, थोड़ा सिक्योर कर लीजिए ताकि ऐसा कोई दोबारा से ना कर पाए। लेकिन पार्क को तो एटलीस्ट चालू कर दो, ये बहुत ही मतलब अच्छा एक पार्क था वो बंद कर दिया, तो क्या करें, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो तो मानना ही पड़ेगा।
अभी हम लोग सुनिंग पहाड़ी को क्रॉस करके और अभी पुआवागन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक वाटर ओवरहेड वाटर टैंक है, तो यही से पूरे गांव को वाटर सप्लाई दिया जाता है। लेकिन बांकुड़ा में क्या है, थोड़ा पानी का संकट है, तो मतलब डीवीसी से जो दुर्गापुर के वहाँ से पानी को लाया जाता है और फिर इसको फिल्टर करके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि बांकुड़ा में जितना भी नदी वगैरह है वो सभी गर्मियों के मौसम में वो पूरा सूखा पड़ जाता है। तो यही एक बड़ा मतलब क्या बोले खराबी है बांकुड़ा का। तो ये जो टावर देख रहे हैं ये भी जियो का ही है ना, पूरे रोड में अब जियो का ही सिर्फ टावर ज़्यादातर आपको दिखाई पड़ेंगे। BSNL का तो नामो निशान नहीं है इस साइड पे, बांकुड़ा से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा दूर आगे ही हम पुआवागन का वो वाला एरिया पहुंच जाएंगे। वो अब दूर में एक गाड़ी आपको नज़र आ रहा होगा, वहीं पर ही वो जो दो रास्ता है वो डिवाइड हो रहा है वहीं से ही। वो दूर में आपको फोर व्हीलर नज़र आ रहा होगा, हालांकि कैमरा में कितना दूर का वो चीज़ें ले पाता है वो जो सही से अंदाजा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर देख पा रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा है। वो वाला जो रेड लाइट आप दूर में देख रहे हैं वो उसी क्रॉसिंग का ही है। तो यहाँ पर ये थोड़ा मतलब वुडन को वुडन का काज होता है, काठ का, यहीं से ही फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, जो बेड वगैरह है टेबल वो सभी मतलब सारे के सारे वुडन जितने भी चीज़ें हैं वो यही से ही बनाया जाता है। तो ये वही हाई टेंशन वायर है जो आपने उस वाले ब्लॉग पे देखा था जो टूट गया था उस साइड पे। तो इस साइड का तो हाई टेंशन वायर ठीक है, लेकिन वो वाले रोड पे पूरा टूट गया था। तो ये देखिए हम लोग वो वाले क्रॉसिंग पे पहुंच चुके हैं। सो यहाँ से पुरुलिया जो है वो 78 किलोमीटर है, बिष्णुपुर 40 किलोमीटर, बांकुड़ा 6 किलोमीटर। और यहाँ पर थोड़ा बाइक का चेकिंग हो रहा है, लेकिन हमारे पास तो पूरा ये है, तो इस साइड पे हमको रोका नहीं। शायद उस साइड पे जो जा रहे हैं उस वो लोगों का चेकिंग हो रहा है, अब क्या रीज़न है वो तो पता नहीं। अगर हमारे पास पूरा पेपर्स ओके है, अगर देखता भी होता तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता। तो वो वाले रोड तो आपने देख ही चुके होंगे वो वाले पिछले वाले ब्लॉक पे। तो यहीं से ही हम लोग पूरा जो दो रोड है वो एक साथ मिल जाता है और बांकुड़ा की तरफ बढ़ रहा है। तो ये वाला जो गांव है ये पुआवागन है, ये गांव नहीं, आप इसको बांकुड़ा का ही हिस्सा मान सकते हैं। मतलब ये पूरा बांकुड़ा से लगभग अटैच ही हो चुका है, घर और दुकान वगैरह आप देख के ये नहीं बोल सकते कि ये एक गांव है। चलो यहाँ से हमको राइट लेना पड़ेगा। तो
ये वाला राइट आप मत लीजिए, क्योंकि ये पहले इसको बंद कर दिया गया था, तो ये वाला राइट ही आप लीजिए, क्योंकि ये एक नेशनल हाईवे है, तो गाड़ियों का जो रफ्तार है वो ज़्यादा ही रहता है। अगर आप इस साइड से उस साइड आप घुस जाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगा, और जो चला रहा होगा उसको भी दिक्कत होगा। तो सारे नियम कानून का पालन कीजिए, यही हम बोलेंगे। और अगर आपका बाइक का जितना भी पेपर्स वगैरह है वो अगर एक्सपायर हो गया है तो वो जल्दी से आप कर लीजिए। देख रहा है ना छोटा सा ब्रिज जैसा, यही है वो जो DVC से पानी आ रहा था, वो पूरे बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाइपलाइन बिछा दिया है, तो पानी का कोई दिक्कत अभी नहीं होगा। वो आज नहीं है, वो बहुत साल पहले से ही कर रहे हैं, आज भी मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे मेरा जो वार्ड है, जो कॉलोनी है, वहाँ पर ये पानी अभी तक नहीं मतलब चालू हुआ है। हालांकि पाइपलाइन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन पानी अभी भी चालू नहीं हुआ है। सो ये है राजोग्राम का खूबसूरत ब्रिज, अब देख सकते हैं थोड़ा बहुत पानी इधर उधर है, और ये पूरा LED का सजाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप रात में आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अगर इस साइड से भी थोड़ा मतलब ये लाइट एक तरफ ना दे के दोनों तरफ अगर दे देते तो वो थोड़ा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता। तो दोनों साइड पे अगर वो लोग LED पोल को लगा देते, लेकिन ठीक है जो किया है वो अच्छा ही है। तो ये राजोग्राम को क्रॉस करके हम खड़गाइड पहुंच चुके हैं। तो ये जो गांव है ये खड़गाइड गांव है, और ये गांव को क्रॉस करने के बाद फिर से वो हॉस्पिटल रोड पहुंच जाएंगे, और हॉस्पिटल होके फिर जो बाकुड़ा बस स्टैंड होके मैं ये अभी ये शॉर्ट वाला रोड ले रहा हूँ जो।
ये मैं हॉस्पिटल को क्रॉस करके अभी बकुड़ा बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। पीछे जो रोड जा रहा था वो लखपुत जा रहा है, और मैं करचुडा की तरफ का रोड ले लिया। तो अभी आगे से मैं फायर ब्रिगेड के पास से जो रास्ता जा रहा है, वो रास्ता का नाम है सत्या किंकर सहाना विद्या विनोद रोड। तो वो वाले रोड लेके मैं सीधा अपने घर के लिए बढ़ रहा हूँ। आज जाके वेदर थोड़ा ठीक हुआ है, मतलब हालांकि गर्मी तो है लेकिन वेदर आज का ठीक है थोड़ा। मतलब 3-4 दिन से पूरा लगातार बारिश हो रहा है, जो जो से हवाएं दे रहा है, हवाएं चल रहा है, और आपका बिजली भी गिर रहा है। तो उस सिचुएशन में मतलब ना ब्लॉक कर सकता हूँ, ना सही से बाइक को चला पा रहा था, तो बहुत ही दिक्कत हो रहा था। आज ठीक है, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ राइट, ये सीधा वाला रोड और जा रहा है आपका अयोध्या की तरफ। ये रहा था पूरा फायर स्टेशन। फायर स्टेशन में जितना भी लोग काम करते हैं उनका ये क्वार्टर वगैरह है, और मैं जा रहा हूँ सीधा। ये कमर्शियल टैक्स बिल्डिंग है आगे, मतलब शादी वगैरह टाइप कुछ हो रहा है। तो भाई लोग, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट पे ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। ये वीडियो यहीं तक ही था, तो टिल देन बाय बाय।